शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतखडं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छानुहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं पूजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कडितडविलसं चारुतरिं तं निखिलगदं निखिलगदवनप्रौढि दवाग्निली शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतखडं नमस्कार सभी को, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज नाड़ी परीक्षा इस विषय का ये पहला परिचयात्मक सत्र है और इस सत्र में आगे जैसे नाड़ी परीक्षा इस विषय को लेकर जो भी हमारे क्लासेस होंगे उसी के बारे में यहाँ पर मैं मेरा जो भी अनुभव है और पिछले कई सालों से नाड़ी परीक्षा पढ़ाते समय एक अलग अनुभव या जिस प्रकार से भी मैं इसको पढ़ाती हूँ इसी प्रकार से मैं आपके सामने मेरे विचार प्रकट करूंगी। एक दो मिनट में हम लोग आगे का सत्र स्टार्ट करते, कुछ लोग और ज्वाइन होने वाले हैं और थोड़ा सा लेट हुआ आज का सत्र और इसीलिए मैं आपसे माफी भी मांगूंगी और आप सभी का स्वागत है इस सत्र में। वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस नाड़ी परीक्षा इंट्रोडक्टरी क्लास। मेरा ये सत्र दोनों तरफ से रहेगा, यानी आप इसमें अपना जो भी वक्तव्य है, आप जो भी यहाँ पे हम लोग चर्चात्मक रूप से इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नाड़ी परीक्षा को लेकर बात करना चाहती हूँ। नाड़ी परीक्षा क्या है, नाड़ी परीक्षा का इतिहास और नाड़ी परीक्षा जिस प्रकार से हमारे शास्त्र में इसका वर्णन किया है, मैं यहाँ आपको रावण कृत नाड़ी परीक्षा के बारे में, रावण कृत क्यों, रावण के बारे में क्या है। हम सभी आचार्य, मैंने आचार्य इस शब्द का उल्लेख किया, आप इसको ध्यान से सुने, आचार्य रावण ये आयुर्वेद से नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। रावण हम लोग इतिहास में हमने देखा है कि किस प्रकार से रावण को हम लोग निगेटिवली देखते हैं। रावण ने जिस प्रकार से सीता का अपहरण किया था, जिस प्रकार से राम के साथ उन्होंने दुश्मनी की थी, ऐसे कई सारे बातें हमने रावण के बारे में सुनी है। बट क्या आप सभी को पता है रावण ये एक विद्वान थे, रावण ये एक वैद्य थे और इन्होंने ही इस रावण कृत नाड़ी परीक्षा को या रावण कृत नाड़ी विज्ञान का जो मूल है उन्होंने, रावण ने ही इसको बताया है और इसी क्रम से आगे ये रावण कृत नाड़ी परीक्षा के नाम से उल्लेख है। हम लोग रावण को बस इतना समझ लेते कि रावण यानी नेगेटिव इमेज और जिन्होंने लंका में किस प्रकार से ये किया, राम को वनवास में किस प्रकार से तकलीफ दी, सीता का अपहरण किया और न जाने रावण को लेकर हमारे मन में एक बहुत ही नेगेटिव सी छवि है। बट मैं आज इसी से मैंने आज इसको स्टार्ट करना है कि रावण कृत नाड़ी विज्ञान क्या है। नाड़ी परीक्षा की बात आती है तो मैं बताऊं आपको, मैं जो पढ़ाने वाली हूँ
इट इज अ फाइव लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस, पांच स्तरीय नाड़ी परीक्षा को मैं आपके सामने पढ़ाऊंगी, प्रस्तुत करूंगी। भारत देश में नाड़ी विज्ञान को लेकर कई सारे नाड़ी वैद्य है, वो अपनी अपनी पद्धति से अपने अपने तरीके से नाड़ी परीक्षा को पढ़ाते हैं। जब मैं शुरू में पढ़ाती थी कॉलेज में, तब मैंने केवल त्रिदोषात्मक नाड़ी एवं पल्स डायग्नोसिस के रूप से इसको मैंने पढ़ाना शुरू किया था। बट जब से मैंने फाइव लेवल पल्स डायग्नोसिस को पढ़ा, तब से मैंने इस पांच स्तरीय नाड़ी विज्ञान को पढ़ाना शुरू किया है, जो कि बहुत ही सहज एवं सरल नाड़ी परीक्षा है। नाड़ी परीक्षा हम सभी जानते हैं, निदान का एक तरीका है। नाड़ी परीक्षा से दोष की स्थिति और न जाने कितने सारे बातें, अगर आप वसंत लाड़ की नाड़ी की किताब पढ़ेंगे, उसमें हमने देखा इस प्रकार से अलग अलग सात स्तरीय नाड़ी परीक्षा एवं चक्र और सभी कुछ, मतलब उन्होंने ज्योतिष और चक्रों को भी उसके उनके नाड़ी परीक्षा के लेवल भी जुड़ा है। बट आज यहाँ पे मेरा जो सेशन चलेगा आगे, वो पांच लेवल की नाड़ी परीक्षा होगी। नाड़ी परीक्षा, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग आचार्य, अलग अलग वैद्य परंपरा नाड़ी परीक्षा को लेकर है। आप पश्चिम बंगाल में जाइए, आप उत्तराखंड में जाइए, आप गुजरात में जाइए, आप चीन में जाइए, इजिप्त में जाइए, जापान में जाइए, ऐसा नहीं कि भारत में ही नाड़ी परीक्षा का उगम हुआ है। नाड़ी परीक्षा यूनानी, चीन या कई सारे, यानी यूनानी वैद्य की नाड़ी परीक्षा अलग है, नाड़ी परीक्षा चाइना वाली जो नाड़ी है वो अलग से है, और भारतीय नाड़ी परीक्षा जिसको आयुर्वेद शास्त्र बहुत अच्छे से प्रकट करता है। नाड़ी परीक्षा का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले नाम आता है योग रत्नाकर का। योग रत्नाकर ने ही नाड़ी को लेकर काफी अच्छे से वर्णन किया है। और जब हम सभी लोग नाड़ी परीक्षा जब सीखते हैं फर्स्ट BMS में या हमारे कॉलेज के दौरान, तो योग रत्नाकर को ज्यादा फॉलो करते हैं। बट आपको मैं बताना चाहूंगी जरूर कि बृहत्तरी आचार्यों में या बृहत्तरी संहिताओं में नाड़ी परीक्षा को लेकर बहुत ज्यादा वर्णन हमें नहीं मिलता है, किंतु सबसे पहले अगर नाड़ी परीक्षा का वर्णन मिलता है वो है शारंगधर संहिता। आचार्य शारंगधर ने जो उन्होंने पंचविध निदान की बातें बताई है, पंचविध निदान की पद्धतियां बताई, उन्होंने उसमें नाड़ी परीक्षा का वर्णन किया है। और उसके पश्चात योग रत्नाकर ने अष्टविध, नाड़ी मलमूत्र जिह्वा शब्द स्पर्श दृक आकृति, इस प्रकार से उन्होंने अष्टविध नाड़ी परीक्षा का वर्णन किया है। और हम लोग आज बस योग रत्नाकर की ही नाड़ी परीक्षा को मानकर चलते हैं, बट ऐसा नहीं है। शारंगधर आचार्य ने पहले नाड़ी परीक्षा का वर्णन किया है और फिर बाद में भाव प्रकाश और सारे बाकी के जो आगे आगे वाले जो भी ग्रंथ है, उन्होंने नाड़ी परीक्षा को अपने अपने विचार से, जैसे हम सभी जानते कि चरक सुश्रुत अष्टांग हृदय हमारे इतनी सारी टीकाएं है, ग्रंथकर्ता है, ग्रंथ है, उन सबका अपना अपना एक वक्तव्य होता है, अपना अपना एक मत प्रवाह होता है। इसी प्रकार से नाड़ी के भी मत प्रवाह है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं पांच लेवल की नाड़ी बताऊंगी, आपने सात लेवल की पढ़ी होंगी, और भृगु नाड़ी है, कई सारे शिव संप्रदाय की नाड़ी है। अलग अलग वैद्य पूरे भारत भर में नाड़ी परीक्षा को अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, और मुझे लगता है कि हम सभी को सबकी नाड़ी परीक्षा को पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना विचार है। आप इस नाड़ी परीक्षा को उस नाड़ी परीक्षा से मत जोड़िएगा, क्योंकि हर एक का नाड़ी परीक्षा का पद्धति अलग अलग है, और आप एक को फॉलो करेंगे तो उसी से, जब आप एक समय पे एक ही नाड़ी परीक्षा को फॉलो करिएगा, ताकि आपको उसके डीप लेवल तक जाना होगा। यानी यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो गलत है ऐसा नहीं है, या आपने कहीं और से पढ़ा होगा वो गलत है ऐसा नहीं है। तो नाड़ी परीक्षा की अलग अलग विधियां है, और इस अलग अलग विधि से ही नाड़ी परीक्षा को पढ़ा जाता है। जैसे मैंने आपको कुछ इतिहास यहाँ पे मैं बता रही थी, इतिहास की बात करते हैं तो बिल्कुल कनाथ ने जिस प्रकार से नाड़ी शास्त्र को बताया है, उन्होंने नाड़िया कई करोड़ की नाड़ियों का वर्णन किया। उपनिषद में 7 करोड़ नाड़ियों का वर्णन है। कनाद ऋषि ने 3.5 करोड़ नाड़ियों का वर्णन किया है, जो नाभि से बंधी हुई है और ऊपर अधोतीर्यक सभी प्रकार से गति करती है। 3.5 करोड़ नाड़ियों में 72,000 नाड़िया स्थूल रूप से मानी गई है, जो तत्त्वतः इंद्रियों से संबंधित गुणों का ग्रहण करती है, और उन 72,000 नाड़ियों में से 700 नाड़िया अन्न रस का वहन करती है और पोषण का हमारे शरीर में पोषण का कार्य करती है। रावण कृत नाड़ी विज्ञान में मुख्य रूप से इसका विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। शिव संप्रदाय में या शिव तंत्र में इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का वर्णन किया है। मैंने बताया पश्चिम बंगाल में मसई नाड़ी विद्या प्रचलित है, गुजरात में सूर्य नाड़ी, केरल तमिलनाडु में अगस्त्य नाड़ी विद्या प्रचलित है, और श्रीलंका में नाड़ी
रावणकृत नाड़ी विद्या का चलन बताया जाता है। अथर्व वेद में चार ऋषियों का प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है, वामदेव, कहोड़, अथर्व एंड अंगिरस, जिन्हें देवी चिकित्सा का ज्ञान था। और बस इसी प्रकार से, और हमने देखा कि अंगिरस ऋषि द्वारा कई अलग अलग, हमारे थोड़ा आप हमारी संहिताओं को पढ़ेंगे या आप काश्यप संहिता को पढ़ेंगे तो उसमें जिस प्रकार से बच्चों के वैद्यों का वर्णन किया है, अलग अलग खेल स्थान जाकर पढ़िएगा, मंत्र, मारण, मोहन, वशीकरण, सम्मोहन, ऐसे अलग अलग विद्याओं को आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। और बिल्कुल आई थिंक इसी प्रकार से हमें अलग अलग विद्याओं के बारे में भी पढ़ना चाहिए। हम हमारे शरीर में पंच महाभूतों की कल्पना की है, या हमारा शरीर पंच महाभूतों से ही बना है। और बिल्कुल यहाँ नाड़ी, या जैसे पांच हमारी अंगुलियां है, इसमें भी पंच महाभूतों का ही एक हम लोग संदर्भ देख सकते हैं। आचार्य चरक ने चरक संहिता में नाड़ी को तनुकृत कहा है। तनुकृत यानी एक प्रकार से नाड़ी बहुत ही पतली या जैसे तनु है। योग वशिष्ठ में नाड़ी को नल शब्द का वर्णन किया है। नाड़ी परीक्षा पढ़ने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्टरी आज का हमारा सत्र है, तो मैं थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते चलूंगी हर एक पॉइंट को। नाड़ी के पर्यायों की बात करेंगे तो जीवन ज्ञानी, जीव साक्षिनी, जीवन की साक्षी। कोई व्यक्ति अगर किसी को चक्कर आती है, कोई हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और किसी व्यक्ति को चक्कर आती है, तो सबसे पहले कोई वैद्य हो या ना हो, वहां पे कोई भी व्यक्ति होता है तो सबसे पहले उसकी नाड़ी को देख लेता है। पल्स या नाड़ी, पल्स डायग्नोसिस, एक नेक्स्ट हमारे इंट्रोडक्टरी सेशन में मैं आपको मॉडर्न तरीके से पल्स डायग्नोसिस के बारे में भी बताऊंगी। तो नाड़ी को क्यों देखना है? तो निश्चित रूप से नाड़ी जीवनस्य ज्ञानम यस्य सा जीवन ज्ञाना, जीवन का ज्ञान कराने वाली ये नाड़ी है। नड़ नाड़ी, धरा, धरती शरीरम, शरीर को धारण करने वाली, जीव साक्षी, जीवन का साक्षी, तंतु की, संपूर्ण शरीर में तंतु के समान व्याप्त तो होने वाली, रसायनी। हम जानते ना कि नाड़ी, अगर आप इसको आर्टरी की उपमा देते हैं तो आर्टरी के द्वारा संपूर्ण शरीर में रस रक्त का संवहन होता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन होता है। मॉडर्न का ब्लड यानी आयुर्वेद का रस रक्त। इसका दूसरा पर्याय नाम है हंसी, हिंस्त्रा, हिंसनशीला, सर्वांगा, सारे शरीर में ये व्याप्त होती है। और शारंग संहिता में जैसे मैंने बताया कि नाड़ियों को सिरा और धमनी के समान शरीर में व्याप्त होकर वायु की गति के द्वारा, आचार्य कनाद बताते हैं कि नाड़ी से शरीर पूरी तरह से ढका है। और हमने देखा कि उन्होंने 72 करोड़ नाड़ियों का वर्णन किया है। उपनिषद में, योग शास्त्र में, हर जगह पर नाड़ी में प्राण का आश्रय बताया है। अमर कोश में नाड़ी तो धमनी सिरा, इस प्रकार का वर्णन मिल जाता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे पीपीटी शेयर करके आपको और ज्यादा विस्तृत आप समझ पाएंगे, इस प्रकार से मैं यहाँ पे पीपीटी शेयर करती हूँ ताकि और अच्छे से हम इस ज्ञान को, इस विद्या को पढ़ सके, समझ सके। नीड ऑफ पल्स एग्जामिनेशन, सच में आज के जमाने में हम आज इतने सारे हमारे पास डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है। नाड़ी ये भी एक डायग्नोस्टिक टेक्निक ही है। नाड़ी ये निदान का साधन है। इन सब के आज के मॉडर्न टेक्निक में क्या सच में इज देयर रियली अ नीड ऑफ पल्स एग्जामिनेशन? व्हाट यू थिंक? प्लीज पुट योर ओपिनियन इन द चैट बॉक्स। आप सभी अपना जो भी ओपिनियन है उसको चैट बॉक्स में रखिए कि सच में आज के मायने में, आज हमारे पास इतने आधुनिक टेक्निक्स के होते हुए भी क्या नाड़ी परीक्षा की जरूरत है? इज द एग्जामिनेशन ऑफ पल्स इज हैविंग एनी सिग्निफिकेंस? विल द पल्स एग्जामिनेशन बिकम एन आउटडेटेड प्रोसीजर ऑफ ओनली हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोग सभी यहाँ पर जुटे हैं कि इसको केवल हिस्टोरिक नहीं, मैं बताऊँ आपको कि नाड़ी परीक्षा या नाड़ी विषय एक ऐसा विषय है कि जिसको हमारे वैद्यों ने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, इसका प्रचार प्रसार ही नहीं किया। कोई वैद्य इसको ज्यादा ठीक से पढ़ाता नहीं था, नहीं था। आज बहुत सारे वैद्य है जो इस नाड़ी विज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी पहल है जो हमारे इस प्राचीन, एक अद्भुत अंग, एक अद्भुत ज्ञान को आगे बढ़ा रही है। बट पहले जैसे हम लोग यूजी में पढ़ते थे 15-20 साल पहले, तो ऐसे कोई कभी मैंने सुना नहीं था कि नाड़ी विद्या का कोई वैद्य है और उसका उसको पढ़ा रहा है। मतलब पता नहीं, शायद मेरा नॉलेज कम होगा, बट फिर भी मुझे याद नहीं है। बट आज 10 सालों से 15 सालों से जैसे हम लोग देख रहे हैं ना कि नाड़ी विद्या का प्रचार बहुत ही जोरों पर है। यथा वीणा गता तंत्री सर्वान रागान प्रभा प्रभाषते,
तथा हस्तगता नाड़ी सर्वान रोगान प्रकाशते ही। जैसे यहाँ पे मैंने वीणा का पिक्चर डाला है, और अच्छा ओके मैम, किसी ने डाला है यहाँ पे, हम लोग सभी यस शुरू किया था, मुझे जो सिखा रहे थे उनको पित्त नाड़ी में थायराइड पता लगता है, लेकिन मुझे वहां, हाँ मैम बिल्कुल, बहुत ही अपने जैसे देखिए, मैं आपको सबसे पहले बात क्लियर करना चाहूंगी कि हम लोग नाड़ी पढ़ा देंगे, आप नाड़ी सीखेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी जिस प्रकार से भी पढ़ेंगे, बट हम कितना भी बताएं लेकिन नाड़ी को एक्सपीरियंस एक्सप्लोर तो आप ही को करना है। हमने कितना भी कहा यहाँ पे वात लग रहा है, यहाँ पे पित्त लग रहा है, यहाँ पे कफ लग रहा है, ये इस डिसीज की नाड़ी है, ऐसा हमने कितने भी, आपको ही उसको समझना है, आपको ही आपके टच सेंसेशन को डेवलप करना है। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि हाउ टू डेवलप टच सेंसेशन, क्योंकि निकाल सेंसेशंस को लिया महसूस कर लिया तो आगे आपको नाड़ी समझना बहुत आसान हो जाएगा। मैं कितना भी चिल्ला कर बोलूंगी कि यहाँ पे पित्त लग रहा है, यहाँ पे कफ लग रहा है, बट महसूस आपके अंगुली से आपको ही करना है। तो इस टच सेंसेशन को बढ़ाने के लिए मैं कुछ आपको व्यायाम भी बताऊंगी, उसमें कुछ योग मुद्राएं होती है जिसके साथ आपके अंगुली की स्पर्श क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, और आप इसका नित्य सदैव नाड़ी, ये एक दिन में सीखने का, ये नाड़ी आप कितने भी क्लासेस कर लो, किनसे भी सीख लो, बट इसमें प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप जितना इसको एक्सप्लोर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, 100, 200, 50, हजारों लोगों को आप नाड़ी परीक्षा करेंगे हजारों लोगों की, तो जाकर आपको इसका अच्छे से नॉलेज आ जाएगा। आप एक दो दिन में एक दो लोगों की देखेंगे और बोलेंगे नहीं मुझे नहीं समझ रहा है, या मुझे नहीं ये हो रहा है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में, ये एक ऐसा है टेक्निक ऐसा है कि जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करने की, फील करने की, अनुभव करने की, ये एक बात है, अनुभव शास्त्र है। और बिल्कुल इसी प्रकार से जब हम लोग वीणा को छेड़ते हैं उसमें सुर निकलते हैं, रागों का ज्ञान होता है, इसी प्रकार से आपकी हस्तगत नाड़ी सर्व प्रकार के रोगों को प्रकाश देती है। मैं थोड़ा सा छोटा सा किस्सा यहाँ पे जरूर बताऊंगी, आप सभी ने बाजीराव मस्तानी पिक्चर तो देखी होगी, रणबीर कपूर की, तो उसमें अंत का एक सीन है, मैं हमेशा इसको बताती हूँ जरूर, उसमें अंत में दिखाया गया है कि जो हीरो होता है ना, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह सॉरी, वो घायल होता है, और वो घायल होता है तो उसको, उसके लिए वैद्य बुलाया जाता है, उस वैद्य को बुलाते हैं तो वैद्य नाड़ी देखता है, और नाड़ी देखकर देखकर बता देता है कि ये बहुत ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बचे, ये बचेंगे नहीं ज्यादा समय तक। और मैं हमेशा ये उदाहरण देती हूँ कि इस प्रकार से फिल्मों में, पिक्चर्स में, सीरीज में, आपने सारे हिस्टोरिकल सीरीज भी देखे होंगे, महाभारत से लेकर रामायण तक, और आजकल भी बहुत सारे चंद्रकांता, जो भी सीरियल आप देखिएगा उसमें नाड़ी परीक्षा या जो भी वैद्य होते हैं ना राजा के दरबार में, निश्चित रूप से नाड़ी ही देखते हैं, और नाड़ी देखकर ही वो अपना निदान बताते हैं। वहां पे भी मुझे याद है कि उस पिक्चर में भी वही बताया था। बिल्कुल नाड़ी, आप कोई भी नाड़ी विज्ञान की छोटी सी किताब आती है आपकी लाइब्रेरी में, आपको कहीं पर भी मिल जाएंगी, मैं भी ग्रुप में पीडीएफ शेयर करती रहती हूँ, तो उसमें भी आपने देखा होगा, तो उसमें अरिष्ट सूचक नाड़ी, यानी नाड़ी देखकर केवल एक दिन में, 3 दिन में, 15 दिन में, तो इसके ऊपर कुछ रिसर्चेस भी हुए हैं, कुछ लोगों ने आईसीयू में जाकर नाड़ी परीक्षा या नाड़ी उस आईसीयू के पेशेंट की, जैसे जिन पेशेंट को लेकर डॉक्टर ने बता दिया होता है कि भाई ये इसका मतलब क्रिटिकल है, कुछ कह नहीं सकते, ऐसे लोगों की उन्होंने अरिष्ट सूचक नाड़ी देख कर ये किया है। और निश्चित रूप से ये मेरे पास अभी, मुझे मेरे पास अभी आपके लिए कुछ टेस्टिमोनियल्स नहीं है, बट इसको मैंने सुना है, पढ़ा है कि वहां पर उन्होंने जो निदान किया था कि ये रुग्ण इतने दिनों तक ही जीवित रहना रह पाएगा, उनका निदान सच में सच हुआ है। ऐसे हमारे पास पुख्ता सबूत भी है, बट अभी मेरे पास नहीं है, तो जब मेरे पास ही आ जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको ये शेयर करूंगी किस प्रकार से हम प्रैक्टिकली इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अभी अभी मैंने जो बताया कि आचार्य क्षारंगधर कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ नाड़ी परीक्षा इन आयुर्वेदा, एंड लेटर ऑन अदर आचार्य लाइक आचार्य भाव मिश्रा, आचार्य योग रत्नाकर, आचार्य बसवराज, बसवराज जी ये भी एक ग्रंथ है जिसमें नाड़ी परीक्षा का वर्णन किया है, आचार्य कनाद महर्षि, आचार्य रावण हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन गिविंग मोर डिस्क्रिप्शंस एंड इम्पोर्टेंस। शिव तंत्र, अभी रावण ने किन से सीखा, तो रावण ने शिव जी से ही नाड़ी विज्ञान को सीखा, और फिर आगे उन्होंने इसको एक्सप्लोर किया, और
और इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है रावण कृत नाड़ी विज्ञान। हम लोग रावण को जब भी देखते हैं तो थोड़ा गुस्सा हर एक के मन में आता है कि रावण ने सीता का अपहरण किया, ये किया, यो किया। बट सच में एक साइड ऑफ रावण की छोड़ दीजिएगा, उसकी दूसरी साइड को देखिएगा, आपको रावण में एक बहुत ही दैवीय शक्ति का एहसास हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ मैंने रावण के बारे में थोड़ा लिखा है, क्योंकि बिल्कुल रावण को भूल कर हम नाड़ी परीक्षा को नहीं सीख सकते हैं। रावण वॉज अ ग्रेट आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड वैद्य शिरोमणि। ही रोट वैल्यूबल बुक नाड़ी परीक्षा डिटेलिंग ऑफ पल्स एग्जामिनेशन अर्क शास्त्र कंपाइलिंग यूसेज एंड डोसेज एंड क्यूर्स ऑफ एवरी हर्ब फॉर कॉम्प्लेक्स डिसीजेस। अर्क परीक्षा वर्क टिंचर्स एंड एक्सट्रैक्ट्स। अर्क जो टिंचर्स होते हैं ना, उनको लेकर भी उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। कुमार तंत्र जो कि बच्चों को लेकर गायनेकोलॉजी एंड पीडियाट्रिक मेडिसिन को लेकर उन्होंने लिखी हुई ये रचना है। उड़ीसा चिकित्सा उड़िया चिकित्सा वतिमा प्रकरणम। रावण वॉज द फाउंडर ऑफ सिंधुरम मेडिसिन एंड दिस मेडिसिन क्यूर्ड वुंड्स इंस्टेंटली। रावण वॉज अ मास्टर ऑफ तंत्र विद्या। हम जानते ना कि वो कैसे सम्मोहित किया करते थे एंड क्रिएटेड एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ थॉट्स व्हाइल फाइटिंग हिज एनिमीज। हिज रोड रावण संहिता अ फेमस बुक विच इज एन एक्सलेंट कंपाइलेशन ऑफ हिज स्कॉलरली वर्क्स। तो ये मैंने लिया है। और बाकी हम सभी जानते हैं कि रावण के भाई कितने थे, रावण के 10 आनंद का वर्णन हमें मिल जाता है। और बिल्कुल मुझे लगता है कि हम लोग खलनायक जो भी होता है, आप पिक्चर भी देखते हैं ना, तो उसमें खलनायक जो होता है उसको हम लोग बहुत अलग नजरिए से देखते हैं, बट उसके पीछे भी कोई कहानी होती है। निश्चित रूप से यहाँ रावण के पीछे भी कोई कहानी जरूर है। और रावण ने ही लक्ष्मण को आगे पढ़ाई की थी, लक्ष्मण को उन्होंने विद्या सिखाई थी किस प्रकार से युद्ध करना चाहिए। आप सुनिए इस बात को, आप मतलब हम लोग इसको जानते नहीं जब तक हम लोग रावण को नहीं पढ़ते ना। हम लोग केवल एक हमारे साइकोलॉजी या मनुष्य ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग हमेशा पॉजिटिव लोगों को ज्यादा फॉलो करते हैं, देखते हैं, और निगेटिव को छोड़ देना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। बट उसकी दूसरी पहलू जो होती है, उसकी दूसरी बाजू जो होती है, उसको भी हमें देखना चाहिए। मेरा यहाँ पे विचार है। इतनी सारी शिव तांडव स्त्रोत रावण संहिता 10 शतकात्मक अर्क प्रकाश 10 पटलात्मक उड़ीश तंत्र कुमार तंत्र नाड़ी परीक्षा अरुण संहिता। इसके अलावा भी रावण जी ने कामधेनु प्राकृत लंकेश्वर। और रावण ने ही सबसे पहले देखिए जीवन की साक्षी, मैंने कई सारे इस जीवन साक्षी नाम से कई सारे जो नाड़ी परीक्षा के सत्र चलाए थे, रावण ने ही अंगुष्ठमूल स्थित नाड़ी को जीवन की साक्षी मानकर यही नाड़ी सुख दुख को बताती, यही माना। तो देखिए जीवन साक्षी यानी हमारे हम लोग जो रेगुलरली रेडियल आर्टरी को फॉलो करते हैं, अंगुष्ठमूल स्थित की नाड़ी को हम लोग पढ़ते हैं, ये नाड़ी साक्षात हमारे बहुत ही जैसे अभी नहीं कहना चाहिए ऐसे निगेटिव इमेज वाले रावण जी ने ही, बट आप आज से मैं आपको सभी को बताना चाहूंगी कि आप रावण को अलग नजरिए से देखिएगा। उनकी जो भी रचनाएं हैं, उनकी जो भी संहिताएं हैं, जिस प्रकार से उन्होंने उसका वक्तव्य किया है, उसको जरूर देखें। हम सवेरे उठते हैं, जैसे जैसे सूरज उगता है हमारी शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जा भी बेहतर होने लगती है। वी फील बेटर अर्ली इन मॉर्निंग। क्यों? बिकॉज ड्यू टू द एनर्जी, ड्यू टू सूर्य तत्व, तेज तत्व। तेज तत्व जब तक होता है यानी दिन जब चलता है, तो हमारी शारीरिक एवं मानसिक स्थितियां बेहद चरम पर होती है। हम अपने आप को बेहद मजबूत ताकतवर महसूस करते हैं और कुछ भी काम करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हमारी अग्नि, हमारी ऊर्जा, हमारी मानसिक ऊर्जा भी परम चरम पर होती है। और इसीलिए आयुर्वेद में भी यही सुझाव दिया गया है कि आपका भोजन किस समय होना चाहिए, आप काम कैसे करना चाहिए। और जैसे धीरे धीरे अग्नि या तापमान की कमी होती है, सूरज ढलता है, तब हम लोग भावनात्मक और शारीरिक रूप से थोड़े थोड़े वीक होने लगते हैं और हमें लगता है कि नहीं अभी हम थक गया हूं, मैं अभी दिन भर काम करके मैं थक गया। और शाम के टाइम में वी फील लो इन एनर्जी, फटीक थकान आती है। क्यों आती है? ड्यू टू द लैक ऑफ ऊर्जा, ड्यू टू लैक ऑफ सूर्य तत्व। और इसीलिए आयुर्वेद सुझाव देता है कि हम लोग इस समय पर अपना खाना खा ले और सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं करें। क्यों नहीं करें? ये सब हम लोग जानते हैं। और आदो वातवाह नाड़ी मध्य वहती पित्तला अंते श्लेष्म विकारे न नाड़ी केति त्रिधा मता। देखिए यहाँ पे आपके मतलब इजी नॉलेज के लिए यहाँ पे मैंने एक इमेज डाल दी है, जिसमें
किसको क्या, किस अंगुली को क्या नाम देना है, अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, मध्यमा, अनामिका, इन तीनों अंगुलियों का। सो आई जस्ट कॉल दिस नाड़ी परीक्षा थ्री फिंगर्स, द मैजिक ऑफ थ्री फिंगर्स एंड वन हार्ट। इट इज नथिंग बट, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। देखिए मैं हमेशा वही पढ़ाती हूँ सबको कि कुछ भी नहीं है। नाड़ी परीक्षा में तो बस तीन अंगुलियां और एक आरती, तो इतना कंफ्यूजन क्यों और इतना बड़ा बवाल क्यों? और सच में बट एक्चुअली जैसे हम लोग ना, शास्त्र कभी झूठा नहीं होता है। हमारे हमारी कल्पनाएं, हमारे विचार, हमारा ज्ञान अधूरा होता है। अगर हम इस शास्त्रों को उचित रूप से पढ़े, आदो वातो वा नाड़ी, यानी इंडेक्स फिंगर में वात का वह, मध्य वहति पित्तला, अंते श्लेष्मे विकारे, ये तो बेसिक हम सभी जानते हैं। अंते श्लेष्मे विकारे ना नाड़ी केति त्रिधा मता। तो बस इस बात को ध्यान रखिएगा, इन तीन अंगुलियों पर ही हम अलग अलग लेवल की नाड़ी परीक्षा करेंगे, जो मैं आगे आपको 5 लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस पढ़ाऊंगी। वीपी के वात पित्त कफ, यहाँ पे आपको इस इमेज में ये, हाँ मेरे स्टूडेंट ने खुद से बनाई हुई इमेज है, जिसमें उन्होंने पहला जो वात की नाड़ी है उसका जो शेप उन्होंने डाला है, वक्र शेप, वक्र गति, क्योंकि नाड़ी, वात की नाड़ी ऐसे ही वक्र, इसको उपमा दी है सांप की। आपने सांप को चलते हुए कभी देखा है? किसी ने देखा होगा, अनुभव किया है, बताइए। गला जी, डॉक्टर आशीष चौहान जी, आपने सांप की चाल को देखा है क्या? संपदा जी, मिथिलेश जी, डॉक्टर ज्ञानेंद्र सर जी, राम कुमार जी, बताइए, सांप की गति को आपने देखा है क्या? सांप, सामने से सांप को देखा है क्या चलते हुए? शुभांगी कुलकर्णी, डॉक्टर विदुर, डॉक्टर वैशाली, यस प्लीज, ओके, डालिए, आप चैट बॉक्स पे भी डाल सकते हैं, यस ओके। कैसे लगता है सर, हाउ द स्नेक मूव, कैसे चलता है सांप, कैसे चलता है? कुछ आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, समझा सकते हैं प्लीज, आप माइक को ओपन करके भी बोल सकते हैं, इट्स बेटर। अनम्यूट करते हैं तो अच्छा लगेगा, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, जो भी, ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी आमंत्रित है चर्चा के लिए, क्योंकि जितनी अच्छी चर्चा होगी। शुभांगी आप बोलिए मैम, डॉक्टर शुभांगी आप बोलिए प्लीज, अनम्यूट करके, हाँ हेलो मैम, बोलिए प्लीज, यस यस वो एक इसमें रेगुलर स्पीड में ही ऐसे जाते रहता है मैडम, फास्ट जाते रहता है। हाँ हाँ के, और कुछ इन अ उसका जिगजैग पैटर्न, ओके और कुछ मैम? मूवमेंट ऐसा रहता है, एक तरफ से एक जिगजैग टाइप, जेड टाइप रहता है मैडम, ऐसे एक बार फिरता है, फिर एक तरफ से फिर ऐसे रहता अच्छा है। यस मैम, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे और मैंने इसको अच्छे से प्रेजेंट किया है आप सभी के लिए, कि ताकि आपके दिमाग में ये इमेज फिक्स बैठ जाए कि वात की नाड़ी यानी सर्प की नाड़ी, वक्राकार, चंचल, सांप की गति, देखते ही देखते सांप गायब होता है। हम लोग चल रहे होते हैं रस्ते पर, गाड़ी चल रही होती है और एकदम डर जाते कि सांप दिख जाता है, और दूसरे एक क्षण में कोई बोल देता है नहीं नहीं चला गया। इतना गतिमान सांप को लेकर ऐसे बोला जाता है कि सांप इतने आसानी से मतलब हमें ये नहीं करता है, अगर उसको कुछ तकलीफ होती है, उसको हमने कभी कुछ ये किया होता है, तो ही आकर वो हमारे पास ये करता है। वैसे तो दो सांप, शब्दों में हम इसको कह सकते हैं, तीव्र वक्र गति। यस यस सर, वेरी नाइस, तीव्र वक्र गति, ओके। और कुछ अभी वैसे शास्त्रों में मैं आगे नेक्स्ट इसमें बताऊंगी कि इसको अलग अलग उपमाएं दी है, ऐसा नहीं है कि केवल सांप, मंडूक या हंस की गति, अलग अलग गति है, मतलब जैसे कि कपोत की गति मान सकते हैं आप इसमें, या हाथी की गति है, कई सारी प्राणियों की उपमा दी गई, लेकिन वो कैसे, हेलो हमने पतिजा है सर्प गति। बट व्याधि को लेकर वो गतियों का वर्णन किया है, बिल्कुल सर बिल्कुल। चलिए अभी ये कुछ अलग अलग शरीर के हिस्से हैं जहां हम लोग नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं। पल्स पॉइंट, दीज आर द पॉइंट्स वेयर वी कैन रीड द पल्स, और वी कैन पाल्पेट द पल्स। कैरोटिड, ब्रैकियल, अल्नार, रेडियल, फिमोरल, पॉपिलिटियल, डॉर्सलिस पेडिस एंड पोस्टीरियर टिबियल पेडिस। बट जैसे ये इतनी सारी नाड़ियों के स्थल बताए गए हैं आयुर्वेद में भी, यानी हमारी संहिताओं में भी लिखे गए हैं, ऐसा नहीं है, बट फिर भी वी यूज रेगुलरली जस्ट अवर रेडियल आर्टरी। व्हाई टू यूज रेडियल आर्टरी?
रेडियल आर्टरी को ही क्यों फॉलो करना है? यस मैम, क्यों रेडियल आर्टरी क्यों? व्हाई टू यूज रेडियल आर्टरी फॉर नाड़ी परीक्षा? इस इजी वही टू पोस्ट एक्सेस एंड ऑफ, वेरी सुपरफिशियल आर्टरी। यस सर, बिल्कुल वेरी करेक्ट, इट्स वेरी सुपरफिशियल। और कुछ कारण हो तो बताइए, एनाटोमिकल, फिजियोलॉजिकल और दूसरी आर्टरीज से इसका कुछ क्या क्या डिफरेंस क्या है कि इसको ही हम लोग यूज करते हैं? व्हाई टू फॉलो ओनली रेडियल आर्टरी? यस प्लीज डॉक्टर दीपा, डॉक्टर आशीष, और कोई ठीक है, इट इज एक आपने बता दिया इसका रीजन, और किसी को कुछ आता हो या आप कुछ गेस कर सकते हो तो चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। व्हाई टू यूज रेडियल आर्टरी? सर आपको यहाँ पे जो इमेज मैंने दी है ना सभी को, देखिए इसमें क्लियरली दिख रहा है कितनी, ये एक एक इसके इसको देखकर तो बताइए कि इसके कैरेक्टर्स क्या क्या है, बताइए जरा, इमेज से पता चल रहा है ना डॉक्टर शुभांगी? बताइए, ट्राई करिए इमेज को देखकर। सुचेता जी, मेन आर्टरी है मैडम, जिससे सब आर्टरीज, छोटे छोटे आर्टरीज फिर बाद में सप्लाई होता है पाम्स में। अच्छा और कुछ नहीं, आप इस इमेज को देखकर क्या महसूस कर पा रहे हैं कि क्या आपको कुछ इसके कैरेक्टर्स मिल रहे हैं क्या? लाइक जस्ट मैं एक हिंट देना चाहूंगी, इट इज स्ट्रेट और प्रोमिनेंट, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स है क्या? हाँ है मैम। हाँ यस ठीक है, ओके मंगला जी, यस ठीक है, मोटी है, मतलब सभी आर्टरीज से थोड़ी मोटी है, और कुछ रीजन? स्ट्रेट दिख रही है आपको? बिल्कुल, इट इज जस्ट फेल्ट ऑन द रिस्ट, जस्ट अंडर द थंब। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में, और मुझे लगता है कि मेरा विचार यह है कि इस नाड़ी परीक्षा के साइट को लेकर मैंने जब इसके ऊपर विचार किया तो मुझे ऐसे लगा कि पहले के जमाने में गोशा पद्धति थी, यानी महिलाओं को बहुत ज्यादा बाहर जाने की मुभा नहीं थी, और वैद्य तो छोड़िए, मतलब ऐसा कुछ पैथोलॉजिकल लैब एंड नथिंग कुछ भी नहीं था, तो उस जमाने में भी बीमारियां होती थी, डायग्नोसिस किया जाता तो कैसे होता होगा? तो मुझे वही लगता है कि जब घोषा पद्धति हुआ करती थी, आपने कुछ इसमें भी देखा होगा ना पिक्चर्स में वगैरह, कि घर में अगर कोई महिला बीमार होती है तो कोई वैद्य आता है तो एक ये एक दीवार के जैसे लकड़ी का ही होता है ना, जैसे पर्दा लगाते हैं ना लोग, कर्टन लगाते हैं, उस प्रकार से ये और जो होता है था लकड़ी की दीवार, उस लगाई जाती थी और वैद्य को उस तरफ बिठाया जाता था, और महिला केवल अपनी इस हथेली को बाहर निकाला करती थी, और बस वैद्य इस उसके 3 अंगुली द्वारा इस महिला की नाड़ी का यानी रेडियल आर्टरी को देखकर बता देता था कि ये बीमारी है और आप ये यहाँ पे दवाई दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। और पहले के अभी मतलब पहले के इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि ये करो वो करो, इधर दिखाओ, इसका ओपिनियन ले लो, इस सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाओ, कुछ भी नहीं था, नथिंग लाइक दैट, जस्ट नाड़ी परीक्षा, और केवल 3 दोष, वात पित्त कफ, इन 3ों दोषों को देखकर महिला हो पुरुष हो बच्चा हो, इन सभी, क्योंकि फेमिनाइन जो मतलब पुरुष डोमिनेंट हमारा कल्चर स्ट्रक्चर हुआ करता था, पुरुष प्रधान संस्कृति हुआ करती थी पहले, और वैसे महिलाओं को बहुत ज्यादा कुछ प्रायोरिटीज नहीं थी, कोई स्वतंत्रता नहीं थी, तो मतलब मुझे लगता है कि इसी कारण से भी इस रेडियल आर्टरी का बहुत ज्यादा प्रचलन हुआ। हालांकि इसको हम मतलब आज के जमाने में थोड़ा ऐसे बोलना या मानना ठीक नहीं है, किताबों में भी ऐसे नहीं है, बट साइंटिफिकली तो ये बात नहीं होती, बट फिर भी आप जरा सोचिए सभी मिलकर कि क्यों इतना इसका प्रचार हुआ। जरूरत पड़ी कि अगर किसी पेशेंट का, किसी रुग्ण के दोनों हाथों में फ्रैक्चर हुआ तो नाड़ी परीक्षा कैसे करेंगे बताइए, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? यह संभव है ना, एक्सीडेंट हो गया, मेजर एक्सीडेंट हो गया और दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए, तो वहां पे कौन सी आर्टरी को देखेंगे? हो सकता है ना ऐसे भी, बस बताइए। यस मैम, फीमर हाँ ओके, और कुछ? कैरोटीड, यस मैम आपने सही बताया, और कहीं पर भी हम लोग देख तो सकते हैं, बट जैसे इस रेडियल आर्टरी की कुछ ये स्ट्रेटनेस है, सुपरफिशियल है, आसानी से मिल जाती है और कोई क्लेश नहीं आता है, ऑकवर्ड नहीं होता है, आप कोई दूसरी आर्टरी की परीक्षा करने जाइएगा, पेशेंट को फीमोरल, मैडम फीमोरल तो रेगुलर में करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये पेशेंट को मैम, बहुत ही
एक यू नो अवकवर्ड फील होता है अगर आप पेशेंट को कहीं दूसरे जगह पर इस प्रकार से नाड़ी परीक्षा के लिए टच करेंगे तो इट इज नॉट रिकमेंडेड। इसीलिए हथेली यानी रेडियल आर्टरी पर अगर आप अगर नाड़ी परीक्षा करते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत ही आसान भी है और एनाटोमिकली फिजियोलॉजिकली और सभी प्रकार से जब एओर्टा से ब्लड निकलता है तो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी ये होती है। दिस इज द रेडियल आर्टरी जो एओर्टा से ब्लड अलग अलग आर्टरीज के पूरे शरीर में विक्षेपित होता है उसमें सबसे नजदीक हृदय के नजदीक रहने वाली है, सीधी है, आसानी से मिल जाती है, ना कोई झिझक, ना कोई बाकी साधन की आवश्यकता, ना पेशेंट को सुलाने की आवश्यकता। आप खड़े बैठे जैसे भी हो, जैसे हमारे संहिताओं में हमारे पद्धतियों में हम लोग पेशेंट की बैठकर अलग अलग पोजिशन में अलग अलग नाड़ी होती है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इस प्रकार से रेडियल आर्टरी इज द प्रोमिनेंट वन बिकॉज इट इज वेरी इजी और बस ऐसे ही इसको हम लोग बहुत अच्छे से इसका ये करके इट इज द क्लोजर वन और इट इज क्लोजर टू द स्किन सर्फेस देन द फीमोरल आर्टरी सो इट रिक्वायर्स लेस प्रेशर टू फील इट्स लेस इनवेजिव। देखिए आप इसको मैं अभी अगले क्लास में मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊंगी कि कैसे हम लोग उसको फील कर सकते हैं, कितना प्रेशर चाहिए। सो इट रिक्वायर्स लेस प्रेशर टू फील इट्स लेस इनवेजिव एंड सो वी यूज जनरली द रेडियल आर्टरी। इस प्रकार से आज के सत्र में मैंने कुछ थोड़ा सा प्रिलिमिनरी लेवल पर ये अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे अग्नि के साथ नाड़ी का कनेक्शन क्या है और अलग अलग कंडीशन में प्रेगनेंसी में और हर एक कंडीशन में हर एक व्याधि में नाड़ी की गति कैसी होती है इसको भी हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे। आज बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी सेशन यहाँ पे मैं कंडक्ट करना चाहती थी और मैं सब फिर से एक बार बता दूं आई कंडक्ट 5 लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस। इट इज रियली डिफरेंट एंड इट इज रियली इजी। ये 5 स्तर क्या है और 5 स्तर पर जाकर आपको दोषों का स्तर, धातु का स्तर, प्रकृति, विकृति सब कुछ एट द एंड आप बहुत खुश हो जाएगी कि मैंने आपको एक आसान तरीका पढ़ाया। मेरा यही उद्देश्य है कि जैसे बहुत मतलब अगर हम लोग अभी याद करेंगे यूजी का मेरा याद आता है तो मुझे लगता है कि मुझे किसी ने ठीक से तब नाड़ी परीक्षा पढ़ाई नहीं थी नहीं तो मैं आज नाड़ी वैद्य बन जाती थी। बट ठीक है कोई बात नहीं आज अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे खुशी हो रही है कि मैं इसको पढ़ा रही हूँ, एक्सप्लोर कर पा रही हूँ, आपके सामने नॉलेज शेयर कर पा रही हूँ और आप भी आगे जाकर अपने पेशेंट्स या विद्यार्थी के साथ इसको शेयर जरूर करें। और इसी के साथ आज का सत्र यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं और कोई क्वेश्चन सवाल हो तो आप जरूर पूछें। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा हो नाड़ी परीक्षा इस प्रकार से। एनी क्वेश्चन? पूरा 10 दिन का ये हमारा सत्र चलेगा। जैसे मैंने पहला एक मेरा प्रकृति का इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था और जैसे देखिए आप ये डिपेंड करता है आपके ऊपर 10 दिन नहीं 20 भी दिन चल सकता है क्योंकि अगर आप मॉडर्न पल्स डायग्नोसिस इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो फिर और आगे ये लंबा चल सकता है। बेसिकली मैं 5 लेवल की नाड़ी परीक्षा को पढ़ाऊंगी और आगे आपके इंटरेस्ट के अनुसार फिर हम लोग इसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड दिस इज फ्रॉम माय साइड आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। इफ नो क्वेश्चंस आई विल कंक्लूड द सेशन। ज्ञानेंद्र सर जी बताइए, शुभांगी जी, डॉक्टर संपदा, राम कुमार जी, इज देयर एनी क्वेश्चन और एनी ओपिनियन, कुछ आपका इसमें इनपुट हो तो प्लीज जरूर बताएं। आई विल शेयर द लिंक गूगल फॉर्म, आई विल शेयर द गूगल फॉर्म टू ज्वाइन द सेशंस, अपकमिंग सेशंस। और जैसे आपने सजेस्ट किया था छोटी दिवाली के या जो तुलसी पूजन होता है ना उसके बाद ही हम लोग रेगुलर क्लासेस का स्टार्ट करेंगे ताकि जो फेस्टिव सीजन है वो भी चला जाएगा और आप आसानी से इन सब जुड़ सकते हैं और नाड़ी विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर जोशी भी स्टार्ट कर रहे हैं और आपका भी स्टार्ट हो रहा है मैडम जी, हाँ सर, यस यस सर का टाइमिंग्स अलग रहेगा। तो फिर कंफ्यूजन रहेगा ना मैडम। दोनों का अलग है, आपका राउंड ट्रिप है और हाँ उनका दूसरा है। अभी यस यस आप दोनों कह अलग रहे अलग हैं
एक ज्वाइन कीजिए, दो दो ज्वाइन नहीं कीजिए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप मतलब जैसे आपकी इंटरेस्ट, इट इज अप टू यू। टाइमिंग सही रहेंगे मैडम, 6 to 7 आते हैं। हाँ प्रोबेबली थोड़ा सा इसमें आधा घंटा आगे पीछे हो जाएगा। वो एक्चुअली ऐसा होता है, मैं 6 बजे से ट्राई कर रहा था। नहीं आज थोड़ा टेक्निकल इशू था इसीलिए लेट ने, तो मतलब आगे से तो करेक्ट टाइम पर ही होगा, कोई इशू नहीं आएगा। बीच बीच में पेशेंट्स भी होते हैं ना क्लिनिक पे, थोड़ा यस वीडियोस सा। तो आपको मिल जाते, बट जैसे इंटरएक्टिव हो तो ज्यादा अच्छा होता है ना, अगर प्रेजेंट रहे तो अलग बात होती है, वीडियोस पढ़ना तो अलग बात होती है। ओके चलिए, ठीक है मैडम, ट्राई करते हैं सारे यस अटेंड यस करें। डेफिनेटली नो इश्यूज सर। ओके चलिए, ओके, नमस्कार सभी थैंक को, आभार सभी का, यू। थैंक यू।